इंदौर से आज साबेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंदौर से पुलिस बल रवाना किया गया। गौरतलब है कि चुनाव संक्रमण काल में हो रहे हैं, इसलिए पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारी काफी सतर्क हैं। आज इंदौर के DIG हरि नारायण चारी मिश्र ने पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाव संबंधी जरूरी उपाय किए जाने को लेकर जरूरी समझाइश दी। गौरतलब है कि चुनाव को लेकर चुनाव आयोग गाइडलाइन तय कर रखा है, जिसके अनुसार इस बार मतदान के दौरान मास्क के उपयोग व 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन कर विशेष जोर दिया जाएगा। लगातार पुलिस कर्मी जो है इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मुक्त चुनाव की तैयारियां में जिस तरीके से जो SST है, FST है, जो बाहर के नाके हैं, सभी पुलिसकर्मी सक्रिय हैं। और निश्चित तौर पर जब सीधे आपका इंट्रैक्शन ग्राउंड लेवल पर होता है तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जवानों को लगातार हर तरह से, चाहे उनको जागरूक करने की बात हो या उनको तरह तरह की इस तरह के जो सुरक्षा संबंधी जो अलग अलग सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की बात हो, सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं ताकि हमारे जवान सतर्क रहें। चुनाव के दिन भी जवानों को मास्क, शील्ड और सैनिटाइजर जैसी चीज़ें दी जाएंगी ताकि जब बूथ पे जाएं तो उसके पहले वो पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ जाएं। और साथ ही साथ जो जितने मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों को भी 24 घंटे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, वहाँ पे भी गोले लगाए जाएंगे ताकि लोग जो हैं निश्चित दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और साथ ही साथ वहाँ भी सैनिटाइजर और मास्क जैसी सुविधाएँ रहेंगी ताकि हमारा जो व्यक्ति मतदान कर्मी वहाँ जाए, हमारा जो मतदाता वहाँ जाए, उसको कम से कम संक्रमण को लेकर के किसी भी तरह की आशंका मन में न रहे। सर, एक आदेश आपने जारी किया जो पुलिस